हिमाचल में चुनावी बात में आज हम पहुंचे हैं हमीरपुर। हमीरपुर एक हॉट सीट के तौर पे भी जानी जाती है क्योंकि यहां से प्रेम कुमार धूमल इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू लड़ रहे हैं। देखना होगा कि यहां क्या चुनावी मुद्दे रहते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, जानते हैं उनसे क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं। अंकुश जी हैं जो बीजेपी से हैं, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे अंकुश जी? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो कांग्रेस के विगत 5 वर्षों में जो नाकाम और असफल सरकार उन्होंने प्रदेश में दी है, जिसमें कानून व्यवस्था, प्रदेश का विकास जो ठप हो गया है, प्रदेश जो देवभूमि से ड्रग्स भूमि बन गया है और प्रदेश की छवि खराब हुई है, ये सभी मुद्दे इन चुनावों में हर जनता के दिमाग में है और कांग्रेस के ऊपर ये सभी मुद्दे भारी पड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों के लिए के हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से महामंत्री हैं जिला के अजय शर्मा जी। अजय जी, क्या कहेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं कांग्रेस? मैं तो ये कहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में ये हिमाचल में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन है और उसने इतना अथाह विकास और रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं कि उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। हर तरह की व्यवस्था की गई, जहाँ 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 तहसीलों की जरूरत थी वहाँ तहसील, जहाँ कॉलेज की जरूरत थी वहाँ कॉलेज, और हमीरपुर में एक ऐसा पहला जिला है जहाँ सारा कुछ कांग्रेस सरकार की देन से आज की डेट में एजुकेशन हब बना हुआ है, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज की कमी थी वो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। अजय जी रोकना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं ये आप अपने विकास गिना रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? मैंने इसमें ये इसी पे आ रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए कि एक जो हमारा मेडिकल कॉलेज वो खुलने जा रहा है, हमारा मेन मकसद रहेगा कि ज़्यादा आज की डेट में लोगों को सुविधा चाहिए शिक्षा की और स्वास्थ्य की और इसकी, तो मेडिकल कॉलेज हमारी पहली प्राथमिकता है कि जैसे ही हम हिमाचल में द्वारा सरकार बनती है तो हम केंद्र सरकार के साथ मिलाप करके जो है उसको जो जल्दी से जल्दी स्थापित करेंगे ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं यहां पे मिलें और वो लोग जो है स्वस्थ रहें। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, जानेंगे लोगों से कि क्या नई सरकार से उम्मीद रखते हैं, क्या चाहेंगे आप, कैसी हो हमारी सरकार? जब जब माननीय मुख्यमंत्री धूमल जी की सरकार बनी है हमीरपुर में उसी टाइम विकास हुआ है। आज देखें बस स्टैंड का काम जो अधर में लटका हुआ है, कांग्रेस ने ना तो पहले कभी हमीरपुर में कोई काम किया। मैं तो अपितु ये बोलना चाहता हूं कि हम हमीरपुर को छोड़ के इन्होंने पूरे हिमाचल में कोई भी काम ऐसा नहीं करवा पाई है जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी वोट मांग सके। नए युवा है, युवा क्या चाहता है नई सरकार से, क्या चाहता है? कांग्रेस ने तो बहुत ही झूठे वादे किए, बेरोजगारी भत्ता बोला देना था वो भी नहीं दे पाई, तो क्या चाहेंगे आप सरकार, जो अगली सरकार आए वो कैसे क्या क्या डिमांड करेंगे लोगों से? अगली सरकार में तो बेरोजगारी का भत्ता भी दिया जाएगा और प्रेम कुमार धूमल जी चीफ मिनिस्टर होंगे और काफी विकास होगा। क्या चाहते हैं आप, एक युवा हैं, युवा के तौर पे क्या डिमांड्स रहेंगी आपकी? साफ पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे पानी पीने के लिए साफ नहीं होता, तो यही होगा। हम ये करेंगे बीजेपी से गुजारिश, जो पार्टी बनाने जा रहे हैं, कि पानी साफ पानी की व्यवस्था की जाए। आप एक युवा हैं, युवा के तौर पे अभी तक जो है कई मुद्दे जो हैं दोनों सरकारें उठाती आ रही हैं, क्या चाहेंगे, क्या नई सरकार जो है वो लेकर आए? जैसे प्रदेश में नई सरकार बनेगी तो हम उनसे ये गुजारिश करेंगे और मतलब हमारा एक ही मेन फोकस ये रहेगा कि युवाओं को जो है वो टाइम टू टाइम नई कंपनियों के साथ जो है वो टाई अप करवाया जाए, उनको उनका जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा मामला है हिमाचल में वो ख़त्म किया जाए और जो मेन मुद्दे रहते हैं पानी की व्यवस्था हो जाए। और जैसे हम हमीरपुर की बात लेना चाहें तो यहाँ पे भी पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे इशू हैं जिनको हम लेके मतलब जो भी हमारे MLAs होंगे उनके पास जाएंगे और प्रदेश सरकार के पास उन चीज़ों को रखेंगे। आप क्या चाहते हैं कि क्या सरकार जो है वो आपके लिए क्या लेकर आए? कानून व्यवस्था का इस पिछली प्रक्रिया में जो 5 वर्ष कांग्रेस सरकार की रहे बुरी तरह से विफल रही, ड्रग माफिया फैला, युवाओं का सत्यानाश हुआ, युवाएं भंग और चरस पीना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार की कोई पकड़ नहीं रही। दूसरी बात, कानून व्यवस्था को लेकर हम चलें तो देखें तो अभी हाल में ही कुछ चंद दिनों की बात है जो गुड़िया रेप कांड हुआ, उनके हथियारों को हवालात से छुड़ाया गया और जो गरीब परिवार के सदस्य थे, लोग थे, कुछ बाहरी क्षेत्रों के लोग थे, उनको फंसाया गया। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद ही दिनों में ये हाल होने वाला है कि कांग्रेस का हिमाचल से सुपड़ा साफ होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और कानून व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ तरीके से चलाई जाएगी। NIT का गठन किया जाएगा और एक सुदृढ़ कानून संचालन जो है पूरे प्रदेश में लहराएगा। तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर के कुछ युवा, जो सीधा सीधा कहना है कि लोकल मुद्दों के अलावा प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी इस बार जो है वो देख के वोट करेंगे।